आखिर क्यों 70 साल तक जिंदा रहने वाला बाज अपनी चोंच, पंख और नाखूनों को 40 साल की उम्र में तोड़ लेता है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 40 साल की उम्र तक ईगल की चोंच लंबी होकर टेढ़ी हो जाती है। पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ने लायक ही नहीं रहते। पंजों के नाखून जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में बाज ना तो शिकार करने लायक रह जाता है, ना ही जिंदा रहने लायक। तो बाज भूख से तड़प तड़प कर मर सकता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए बाज पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर अपनी ही चोंच को तोड़ लेता है और चट्टानों पर रगड़ कर अपने नाखूनों को तोड़ लेता है। ऐसा करने पर उसे असहनीय दर्द सहन करना पड़ता है, फिर भी ईगल ऐसा करता है। लगभग 6 महीने बाद चोंच और नाखून तो नए आ जाते हैं, लेकिन पंख अभी भी उड़ने में साथ नहीं देते। तो ऐसे में ईगल को एक और कठिन फैसला लेना पड़ता है और वो अपनी चोंच से अपने ही पंखों को उखाड़ फेंकता है। ये सब करने के बाद ईगल नए नाखून और पंख चोंच के साथ शान से शिकार पर निकलता है।